संस्कृति वर्ड। तो आई होप कि आपने मेरे पिछली वीडियोस भी देखे होंगे। क्या आपको पता है हम में से बहुत से लोगों को बैडमिंटन रैकेट सही तरीके से पकड़ना नहीं आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू ग्रिप बैडमिंटन रैकेट, कैसे बैडमिंटन रैकेट को पकड़ा जाता है। बैडमिंटन रैकेट को दो तरीके से पकड़ा जाता है, एक है फोर हैंड ग्रिप, दूसरी है बैक हैंड ग्रिप। तो गाइस ऐसे मारी जाती है फोर हैंड और ऐसे मारा जाता है बैक हैंड, फोर हैंड बैक हैंड। तो अब मैं आपको पहले बताऊंगी फोर हैंड ग्रिप। पहले आप अपने बैडमिंटन को ऐसे पकड़ लीजिए वर्टिकली और फिर ये देखिए इसे ऐसे शेक हैंड कीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि इस उंगली को ऐसे स्ट्रेट कर लेते हैं, ये रॉन्ग है, ऐसे पकड़ना अलाउ नहीं है, ऐसे पकड़ा जाता है हमेशा। कई लोग क्या करते हैं कि थंब को मिडल फिंगर के ऊपर रख लेते हैं, ये भी गलत है। आपको हमेशा थंब मिडल फिंगर के साइड में रखना चाहिए। ये यहाँ पे बैडमिंटन पकड़ते टाइम यहाँ पे आपका एक वी शेप आएगी, वो ये जो टॉप एज है इसके बिल्कुल स्ट्रेट में होनी चाहिए। ये होती है प्रॉपर फोर हैंड ग्रिप। अब हम बात करते हैं कि इसे कैसे होल्ड करना है। इसे ज़्यादा टाइट होल्ड नहीं करना है, अगर आप ज़्यादा टाइट होल्ड करेंगे तो ये जो आपकी रिस्ट है वो ब्लॉक हो जाएगी और आप अच्छे से शॉट नहीं दे पाएंगे। इसे ज़्यादा लूज भी नहीं पकड़ना है कि जब हम मारें तो ये गिर जाए हमारे हैंड में से, इसे नॉर्मली पकड़ना। इसे आपको बिल्कुल नॉर्मली पकड़ना है, जैसे आप टॉय गन चलाते हुए पकड़ते हैं वैसे। तो ये थी हमारी फोर हैंड ग्रिप। अब हम बात करते हैं बैक हैंड ग्रिप के बारे में। अब आप अपने बैडमिंटन को ऐसे पकड़िए हॉरिजॉन्टली। अभी तक हम ऐसे पकड़ रहे थे, अब हमें इसे ऐसे कर देना है। अब इसे अब क्या करेंगे, ऐसे ये जो इसे ऐसे करिए और इसे ऐसे। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि थंब को लॉक, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि थंब को लॉक कर रहे थे और इसे अप कर रहे थे। अब क्या करना है कि इंडेक्स फिंगर को लॉक करना है, थंब को स्ट्रेट रखना है और थंब आपके इसको इसको फेस करना चाहिए। इसे भी आपको फोर हैंड ग्रिप की तरह ही पकड़ना है, ना ही ज्यादा टाइट ना ही ज्यादा लूज, ना आपका कंफर्टेबल जोन होना चाहिए इसे पकड़ने में। गाइस लाइक दिस फोर हैंड, लाइक दिस बैक हैंड, फोर हैंड बैक हैंड, फोर हैंड बैक हैंड। जब आपकी पोजीशन चेंज होती है तो इसे सीखने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। गाइस ये मेरी बिगिनिंग है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। बाय गाइस।